With us on the broadcast is BJP MP and eyewitness himself, Rajendra Agarwal. Good evening, sir. Thank you for speaking to us here on Times Now. Tell us what happened in detail. We've seen dramatic visuals first of that intruder jumping from the visitors' gallery to the chamber, trying to cross over some of the desks. And of course, thereafter came how, the members of parliament tried to pin him down. They clearly overpowered him. हाँ, यही हुआ जो आपने देखा भी, जिसको आप बता रहे हैं वही हुआ है। देखिए, ये जीरो आवर का समय होता है, जीरो आवर चल रहा था, जिसमें जो ऑनरेबल एमपीज हैं अपने क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। तो जीरो आवर चल रहा था एंड आई वॉज नॉट लुकिंग एट द गैलरी, आई वॉज जस्ट वॉचिंग या लुकिंग एट द हाउस एट द ऑनरेबल मेंबर्स। तो सडनली आई फेल्ट सम डिस्टर्बेंस इज देयर, तो आई जस्ट गैस कि पॉसिबली सम पर्सन इज फॉलन फ्रॉम द गैलरी एंड आई जस्ट कुडंट गैस दैट समवन इज हैज जंप्ड। इमीडिएटली नेक्स्ट पर्सन वाज जंपिंग, देन थिंग्स वर मेनी एमपीज मिस्टर अगरवाल वर इन डिसबिलीफ, पर्संस वर जंपिंग, मेनी एमपीज वर इन डिसबिलीफ, उनको यकीन नहीं आ रहा हो रहा था शुरू में कि हुआ क्या है, एकदम से बौखला गए थे शुरू में सब। माइसेल्फ वाज इन माइसेल्फ मैं खुद भी इसी स्थिति में था। तो लेकिन तो भी मैंने भाई मैं चेयर में था, इसलिए मैंने तुरंत पहले तो हाउस को एडजर्न किया और उसके बाद जो है ऑनरेबल एमपीज ने ही उनको दोनों को काबू में कर लिया, फिर सुरक्षाकर्मी भी दौड़े, उनको निर्देशित किया कि पकड़िए कौन लोग हैं ये, और इसके बाद उनको इस बीच में उन्होंने धुआं वगैरह जूते में से कोई चीज निकाली, उसमें से शायद उन्होंने धुएं को फैलाया, जो अब थोड़ा सा निकल करके भी आ रही है बातें ये। हालांकि जांच अभी चल रही है, विस्तार से जांच होने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। और सभी चिंतित हैं, माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस बात को संसद के अंदर भी कहा, लोकसभा के अंदर कहा, ये गंभीर चूक है और सब चिंतित हैं। और सभी जो फ्लोर लीडर्स हैं सभी दलों के, उनकी उन्होंने बैठक बुलाई, उनके साथ तो विचार विमर्श शायद चल रहा होगा। जो अन्य सुरक्षा अधिकारी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के डीजी हों या पुलिस कमिश्नर दिल्ली हों या अन्य लोग हों, एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको भी बुलाया गया है, गृह सचिव भी आए हैं, तो एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत होगी। यदि सिस्टम में कोई चूक है उसको दुरुस्त किया जाएगा, यदि व्यक्ति के स्तर पर कोई चूक हुई है उसको भी देखा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये गंभीर चूक हुई है और इसका फुल प्रूफ इंतजाम किया जाना जरूरी है, ताकि ऐसी कोई घटना हाउस के अंदर कोई पहुंच जाए, ये गंभीर घटना है, ऐसी घटना भविष्य में न हो ये सुनिश्चित हो सके। बहुत बड़ी चूक है, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। अग्रवाल साहब, विपक्ष कह रही है ये नया संसद है, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इतने अपग्रेडेड संसद में कैसे हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठा रही है विपक्ष अभी। और ये भी बोल रहे हैं कि इस सिक्योरिटी ब्रीच को मद्देनजर रखते हुए होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता था, और आप और हम जानते हैं कि ये डेंजरस हो सकता था। नहीं, देखिए अभी तो पता चलेगा, समीक्षा करने पर ही पता चलेगा कहाँ चूक हुई है, नया भवन है इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कहां पर चूक हुई है अभी तो राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें क्या कहा जा सकता है। एक बार हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो जांच होगी, सक्षम जो एजेंसीज हैं उसकी जांच कर रही हैं, सक्षम जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसकी जांच कर रहे हैं, और उसका जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा वो संसद के सामने भी रखा जाएगा, देश के सामने भी रखा जाएगा। जी, प्रताप सिम्हा जो भाजपा के एमपी है उनका भी नाम सामने आया है कि उन्होंने ये जो विजिटर्स पास है सागर शर्मा का, उस पे उनके उनके साइन है, तो इसीलिए उनका नाम आया है। वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, लोकसभा स्पीकर को एक्सप्लेनेशन दी है, पर विपक्ष कह रहा है, खासकर टीएमसी की, महुआ मोइत्रा की बात करें तो उनके खिलाफ तो आपने एकदम से एक्शन ले लिया, अब प्रताप सिम्हा का नाम आया है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। नहीं देखिए, महुआ मोहित्रा का मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं इस विवाद के अंदर कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन महुआ मोहित्रा का जो केस था दैट वाज बाय कमीशन, शी वाज नोइंग एवरीथिंग विच शी वाज डूइंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड दिस केस मे बी कॉल्ड ए केस ऑफ ओमिशन। कई बार क्षेत्र के अंदर व्यक्ति आता है, ही डजंट नो द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन हु इज गेटिंग द पास, तो ओमिशन कमीशन का बड़ा भारी फर्क है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात में नहीं
पढ़ना चाहता, स्पीकर महोदय फैसला करेंगे कि इस प्रकार की रिकमेंडेशन करने वाले सांसद के संबंध में क्या किया जाए, परंतु ये क्वालिटेटिव अंतर है दोनों मामलों के अंदर, और इसलिए टीएमसी को इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। अग्रवाल साहब, स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, सारी पार्टियों से बातचीत करी, उस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं आप हमें? नहीं नहीं, मैं तो नहीं दे सकता, मैं उसके लिए अभी मुझे जानकारी भी नहीं है और मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब या वो जिसको कहेंगे वो उसके संबंध में बताएंगे, हो सकता है अभी मीटिंग चली ही रही हो। और काफी सारे जवाब देने पड़ेंगे सर, सुरक्षा की बात करें और वो भी संसद, देश का संसद, और उसमें ऐसी घटना घटे, ये काफी बड़ी बात है और आप जैसे कह रहे हैं काफी बड़ी चूक है, तो काफी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे सर। हाँ तो बिल्कुल, सवालों के जवाब तो दिए ही जाएंगे और देने ही चाहिए, और मैं वही कह रहा हूं कि चूक तो है ही, अब चूक कहाँ हुई है, सिस्टम में है कि व्यक्ति की है, ये समीक्षा करने के बाद ही पता चलेगा, और चूक का जो भी स्तर होगा, जो भी कारण होगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये तय है कि इस पर कार्रवाई होगी और इस सुरक्षा की व्यवस्था को फुल प्रूफ करने का सुनिश्चित इंतजाम किया जाएगा। अग्रवाल साहब, क्या आप देखते हैं कि ये कंस्पिरेसी है, बड़ी कंस्पिरेसी है, क्योंकि आप तारीख देख लीजिए, आप टाइमिंग देख लीजिए, 2001 पार्लियामेंट अटैक की आज एनिवर्सरी है और चार लोगों का नाम तो बाहर आया ही है, एक पांचवा इंसान भी है और एक छठा इंसान भी है जिसकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक बात करते हुए अभी पहुंचा रहे हैं, एक ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन चारों को पहुंचाया है, तो काफी सारे खिलाड़ी और काफी टाइम से ये प्लानिंग चलती आई होगी, क्योंकि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। देखिए, मैं इसी बात को फिर कहना चाहता हूँ कि अभी केवल ये अनुमान है, जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, अब ये किसी बिग डिजाइन का हिस्सा है, ये क्या है, आज के दिन क्यों उन्होंने चुना, क्या जो है मतलब क्या कारण है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके पीछे कोई संगठन है क्या, ये व्यक्ति है क्या, है कौन संगठन है, किस प्रकार के लोग हैं, तो अभी एकदम से जल्दी से कहना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस संबंध में धैर्य रखना चाहिए। आज संसद के अंदर भी जब ये घटनाक्रम हुआ, स्पीकर ओम बिरला, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पीकर, अबाउट द ऑल पार्टी मीटिंग दैट ऑल्सो वेंट अंडर वे, ही इज ऑल्सो कम आउट टू इशू अ स्टेटमेंट, सो द स्पीकर हैज इशूड अ स्टेटमेंट, ही सेज दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, इन फैक्ट पार्लियामेंट हैज बीन अडजर्न्ड टिल 11 AM टुमारो, लेट्स ऑल्सो क्विकली लिसन इन फ्रॉम हिम। जो आज घटना घटी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है और गंभीर घटना भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहां के सुरक्षा कर्मियों ने, यहां के मार्शल ने, चेंबर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निडरता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निडरता के साथ वह उनको दबोचा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। आज के दिन ही 2001 में भी इसी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोगों ने जिस बहादुरी निडरता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे हमले को फिर विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए, इसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है। ओम बिरला जी, अग्रवाल साहब सांसदों की बहादुरी की बात कर रहे हैं और पता है कि सांसद काफी बहादुर थे, क्योंकि एकदम से हमने देखा कैसे सांसद उसके पीछे दौड़े, जो वो व्यक्ति दिख रहे हैं उन तस्वीरों में, एकदम से सांसद सारे अपना काम छोड़ के, जैसे ही उन्होंने शायद दूसरे इंसान को देखा तब वो जाके इसके पीछे दौड़ना शुरू किए। हाँ
हाँ मैं तो वहीं था, मैं सबने देखा और स्पीकर साहब भी अपने जो उनका चैम्बर है उसके अंदर थे, वो भी तुरंत बाहर आ गए थे, हाउस एडजर्न हो चुका था। और आपकी ठीक ऑब्जर्वेशन है, मैंने सबने पकड़ा उनको, और शुरुआत में ऐसा शायद नहीं लगा, ऐसा लगा कि जैसे कोई गिर गया है, लेकिन जब वो दूसरा रेलिंग को पकड़ करके कूदा तब ध्यान में आया कि ये लोग कूदे हैं, ये तो उनको तुरंत पकड़ा, और बिल्कुल कहीं कोई भय या किसी प्रकार की घबराहट कुछ नहीं थी, सांसदों ने कुछ भी संभावना होने के बाद भी उनको पकड़ा और सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए और दोनों को नियंत्रण में लिया गया, उनको ले गए, और ये सारा घटनाक्रम एक मिनट के अंदर, ये सब घटनाक्रम संपन्न हो चुका, एक मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया। राजनीति जोरों शोरों से चल रही है, इस पे तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे अग्रवाल साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए एंड फॉर पुटिंग दैट इन पर्सपेक्टिव। वी नीड टू हेड इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।